बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जनाब कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजरा वीकेंड आपका? चलें जी प्रोसीड करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोर्स है वो है सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं रेस्ट की एम्बेडेड डिस्कवरी की ऑफिशियल बुक, जो कि अवेलेबल है tinyurl.com/rdiskbook के ऊपर। और इस कोर्स में तमाम कंटेंट्स जो हैं वो इसी बुक से लिए गए हैं जो कि शेयर की गई है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर। तो प्रोसीड करते हैं। हमने क्या किया था कि हमने इस कोर्स के स्टार्ट में लेक्चर नंबर 1 में देखा कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, रिक्वायरमेंट क्या है। देन फिर हमने उसके बाद देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी इस कोर्स के हवाले से लेक्चर नंबर 2 में, क्या हार्डवेयर चाहिए होगा, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी हमें। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि हमारी जो ये कोर्स है ये रिवॉल्व करेगा अराउंड लिनक्स ओएस और उसके ऊपर जो हम टूल्स वगैरह इंस्टॉल करने के बाद उस पर आगे लर्न करेंगे रेस्ट की एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। और ऐसे लोग जो कि अपने बेस ओएस को ही लिनक्स पे शिफ्ट कर लेते हैं वो तो बहुत अच्छे, लेकिन वो लोग जो कि बेस ओएस पे विंडोज रखना चाह रहे हैं तो उनके लिए था कि हमने पिछले वाले वीक में हमने वर्चुअलाइजेशन को डिस्कस किया था, और हमने वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर वर्चुअल बॉक्स यूज करके उस पर हमने देखा था कि हम एक नई वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करके उसके अंदर ओएस इंस्टॉल करने के पॉइंट तक आ गए थे हम। तो आज हम लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे और इसका प्रैक्टिकल डेमो भी लेंगे। अब वो लोग जो वर्चुअल मशीन के अंदर ये काम कर रहे होंगे वो इस पॉइंट तक पिछले लेक्चर के एंड में पहुंच गए थे, जो लोग अपनी बेस मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे वो लोग जाहिर है कि अपने मशीन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में डीबीटी डालेंगे अपने ओएस की और उसको रीबूट करेंगे, और रीबूट करने के बाद इंस्टॉलेशन की स्क्रीन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसीड करने से पहले हम चीज़ें देख लें कि यहाँ पे इस कोर्स के हवाले से आपको कोई ना कोई लिनक्स का फ्लेवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो इस कोर्स को सामने रखते हुए जनरल रिकमेंडेशन है वो ये है कि या तो आप यूबंटू के किसी फ्लेवर पे चले जाएं या CentOS और RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। बेसिकली CentOS जो है RHEL का कम्युनिटी वर्जन है। RHEL की सपोर्ट और अपडेट्स लेने के लिए आपको उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है जो कि पेड है, जबकि CentOS उसी का कम्युनिटी वर्जन है, फ्री वर्जन है, या यूबंटू। इस डेमो में हम इंस्टॉल करेंगे लुबंटू। लुबंटू क्या है? लुबंटू 100% यूबंटू ही है बैकएंड पे। सिर्फ उन्होंने किया ये है कि उन्होंने उसका जो फ्रंट एंड है ना, जो ग्राफिकल स्क्रीन या जो आपके सामने ग्राफिकल सारा कंटेंट नजर आ रहा होता है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, वो सारा चेंज कर दिया है एक लाइट वेट फ्रंट एंड से, जिसका जो कि LXQT है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूबंटू है उसके अंदर GNOME फ्रंट एंड यूज हो रहा होता है, वो थोड़ा सा हैवी है, तो यूबंटू की रिक्वायरमेंट भी हैवी है। यूबंटू की रिक्वायरमेंट या उनकी तरफ से रिकमेंडेड है कि आपके कंप्यूटर में 4GB रैम हो, जो उसका लेटेस्ट फ्लेवर है ना उसके लिए। जबकि ये जो LXQT वाला लुबंटू है, ये बैकेंड पे अंदर से तो सारी फाइल्स वही यूबंटू वाली हैं, फ्रंट एंड के जो उसकी वो है आपकी शिकलो शुबाहत, वो उन्होंने LXQT बेस कर दी है जो कि काफी लाइट वेट है। तो लुबंटू आप डाउनलोड कर सकते हैं lubuntu.me वेबसाइट से, lubuntu.me उनकी ऑफिशियल लुबंटू की वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ISO फॉर्मेट में। और अगर आप अपनी बेस मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो ISO को आप अपने एक DVD के ऊपर राइट कर लें, उसके लिए आपको DVD राइटर चाहिए होगा, और चाहें तो आप बूटेबल USB भी बना सकते हैं। वो तरीका हम किसी और वीडियो में, मतलब अलग से इस कोर्स से हट के आप से शेयर भी कर लेंगे वेबसाइट के ऊपर, ये जो youtube.com/khwajgan का हमारा चैनल है वहाँ पे। और अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट से आगे कि अब आप लिनक्स इंस्टॉल करने लगे,
और आपने अगर आप वर्चुअल मशीन में हैं तो आप अपनी वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क में आईएसओ फाइल कनेक्ट करके वहां पे से उस वर्चुअल मशीन को ऑन करके अपने इंस्टॉलेशन के स्टार्ट पे पहुंच गए हैं। और अगर आप अपने बेयर मशीन के ऊपर अपनी मशीन पे डायरेक्टली बेस ओएस के तौर पे लिनक्स इंस्टॉल करने लगे हैं तो आपने क्या किया है कि आपने फिजिकल डीबीटी अपने ड्राइव में डाली है और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके बूट कर लिया है उस डीबीटी से, या फिर बूट कर लिया है अपनी बूटेबल यूएसबी से जिसको आप पहले ही जिसमें आपकी सेटअप ट्रांसफर कर चुके हैं लुबंटू का। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम डेमो के ऊपर चलेंगे। जनाब अगर आप वर्चुअल बॉक्स में हैं तो आपके सामने, और अगर आप अपने बेस मशीन पे हैं तब भी आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जब आप डीवीडी रोम डालेंगे और इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चूंकि हमने लुबंटू का सेटअप स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे स्टार्ट लुबंटू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये अपनी कुछ फाइल्स लोड करेगी। अच्छा, लेटर ऑन आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने के लिए मैंने ये जो इंस्टॉलेशन है प्रोसीड की है वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में, क्योंकि अगर मैं बेस मशीन पे इंस्टॉल कर रहा होता तो फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मुझे अलग से कैमरा और ऑल दैट मतलब वो सेटअप करना पड़ता, तो इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। आप चाहे बेस मशीन पे इंस्टॉलेशन करें या वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉलेशन करें, आपके सामने इंटरफेस है वो काइंड ऑफ सेम ही रहेगा। अच्छा, लुबंटू की एक बहुत अच्छी बात है और वो ये कि लुबंटू को आप चाहें तो सीडी से भी रन कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन। आप सिंपल सीडी डालें अपनी मशीन में और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें और बूट कर लें, और जो पहला वाला ऑप्शन था रन लुबंटू वाला वो सेट कर लें, आपके कंप्यूटर में लुबंटू रन होना शुरू हो जाएगी, जो कि अभी आप देख लेंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा रही है, इसने अभी तक हमसे कोई सवाल भी नहीं पूछा कि आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, इसलिए कि ये अपना पूरा सेटअप आपके कंप्यूटर में सीडी से रन कर रहा था। और ये देखें हमारे सामने पूरे का पूरा लुबंटू बगैर इंस्टॉल हुए रन हो गया। तो आप यहाँ पर इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखें ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑफिस के और इसी तरह से मजीद। तो अगर आपने फौरी फौरी कोई काम करना है लिनक्स में तो आप सिंपल यहाँ पे वो काम करें इजिली, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद शट डाउन करें, शट डाउन करने के बाद अपनी डीबीटी को बाहर निकालें, ठीक है, अगर आप अपनी बेस मशीन में ये मतलब कंप्यूटर में चला रखे हैं लुबंटू की सीटी, और दोबारा से डीबीटी निकालने के बाद दोबारा से सिस्टम को स्टार्ट करें तो वापस लिनक्स में पहुंच जाएगा।
सॉरी विंडोज में पहुंच जाएगा, जो भी आपका पुराना हुआ है उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सीडी डालें, कंप्यूटर चलाएं, आपकी लुबंटू लोड हो जाएगी। टीवीडी से बूट करने के बाद अपना जो भी लिनक्स वाला काम करना है वो करें, उसके बाद दोबारा कंप्यूटर शट डाउन करें, डीवीडी निकाल लें और दोबारा से कंप्यूटर स्टार्ट करें, तो आपको पुराना ओएस वहीं का वहीं होगा। लेकिन चूंकि हमने लॉन्ग टर्म में काम करना है, डेवलपमेंट करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है, बड़े सारे काम करने हैं, तो हम उस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे बल्कि हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने इंस्टॉलेशन करनी है उनके सामने जब ये लुबंटू का ये वाला डेस्कटॉप आ जाता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल लुबंटू का, ये देख रहे हैं आपके सामने, आप इस पर डबल क्लिक करें। अभी फिलहाल आपकी लुबंटू बिल्कुल ऑपरेशनल है, इंस्टॉल नहीं है लेकिन ऑपरेशनल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिनक्स के अंदर एक लिब्रे ऑफिस यूटिलिटी है, इसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है, जिस तरह वर्ड के लिए इसका राइटर है, एक्सेल के लिए इसका कैल्क है, तो ये देखिए ये मेरे सामने बगैर इंस्टॉल किए, ना मैंने लुबंटू इंस्टॉल की, ना मैंने ऑफिस इंस्टॉल किया, लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा फुल फ्लैज ऑफिस भी मिल गया, पूरा ओएस भी मिल गया और मैं इसमें आराम से अपना कुछ ना कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे स्कोप से वैसे तो थोड़ा सा बाहर की बात है, लेकिन चलें आपको किसी और जगह पे अगर आपको कभी कोई ऐसी यूटिलाइजेशन करनी पड़ जाती है तो आप यहाँ पे देखें एक्सेल टाइप का जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो कैल्क है, तो आपके सामने ये कैल्क खुल गया। तो इस तरह से बगैर इंस्टॉल किए आप बहुत कुछ कर सकते हैं लुबंटू के साथ, और आप ये देख रहे हैं कितनी स्मूथ है। सिर्फ 1500 MB मैंने इसको रैम दी हुई है इस मशीन को, 1500 MB का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 1.5 GB, तो ये इसका बिहेवियर आपके सामने है, ठीक है। इसकी स्पीड वगैरह वगैरह सब कुछ बेहतरीन चल रही है। ये इसका फायरफॉक्स इसके अंदर इंस्टॉल है, इसी तरह की दूसरी चीज़ें। तो खैर बगैर इस डिटेल में जाए, अभी ये फायरफॉक्स चलता है तो हम इसको बंद करते हैं और फिर हम प्रोसीड करते हैं अपनी इंस्टॉलेशन को। और इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल लुबंटू पे डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये लुबंटू ने अपना इंस्टॉलर स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे खैर ये ऑप्शन दे रहा है लैपटॉप के ऊपर हूँ कि द सिस्टम इज नॉट प्लग्ड इनटू अ पावर सोर्स, ओके, इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपकी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कहीं बैटरी डिप्लेटेड हो जाती है तो कहीं आपकी इंस्टॉलेशन करप्ट ना हो जाए। एनीवे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि अमेरिकन इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं अपने ओएस के लिए तो ज़ाहिर है अमेरिकन इंग्लिश ही रखेंगे, और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये पूछना चाह रहा है कि आप किस टाइम जोन में हैं, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है टाइम जोन। यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट कर देते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आप कीबोर्ड की टाइप क्या रखना चाहेंगे, तो हम यूएस इंग्लिश कीबोर्ड रखना चाह रहे हैं और उसका मॉडल भी डिफॉल्ट ही हो। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ये जो डिस्क है, यहाँ पे वो आपको डिस्क दिखा देगा जिसमें कि अगर आपने 100 GB या 50 GB रखी है तो यहाँ पे वो आपको वो साइज बता रहा होगा। मैंने इनिशियली 10 GB रखी थी, इसलिए मैंने आपको फिर मेंशन किया है कि मैं ये इंस्टॉलेशन सिर्फ आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बेस ओएस वाली लिनक्स के ऊपर अपना बाकी का काम कर रहा हूँ। तो आपने अगर आप ये मशीन प्रिपेयर कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम की डेवलपमेंट के इस कोर्स के हवाले से, तो फिर आपने इसकी हार्ड डिस्क का साइज कम अज कम 50 GB रिकमेंडेड है 100 GB देना। तो ये आप यहाँ से अपनी रिक्वायर्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर आप इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आप इरेज डिस्क का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इनक्रिप्ट अभी हम नहीं करते, ये थोड़ी सी एडवांस चीजें आ जाएंगी, सिक्योरिटी वाली चीज ऐड हो जाएगी इसके अंदर, तो हम इन ऑप्शन पे नहीं जाते ताकि ऐसे लोग जिनको लिनक्स की बहुत ज्यादा सूझबूझ नहीं है ये ना हो कि लेटर ऑन को इशू फेस करना पड़े और वो फिर मतलब इशू का शिकार हो जाए। तो आपने इरेज डिस्क करना है। जो लिनक्स को जानने वाले हैं वो मैनुअल पार्टीशनिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो पूरा एक लिनक्स के ऊपर अलग से कोर्स लॉन्च करेंगे,
और उसके अंदर ये सारी डिटेल डिस्कस होंगी। तो फिलहाल चूंकि हमारा फोकस एम्बेडेड सिस्टम के लिए सिस्टम तैयार करना है, अपना जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो सेट करना है, इसलिए हम इसके डिफॉल्ट ऑप्शंस को ही लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आपने डिसलेक्ट कर लेनी है, देन इरेज डिस्क ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने से पहले वो आपको ये बता रहा है कि करंटली आपकी अनपार्टीशन स्पेस है 10 GB या 50 GB 100 GB जो भी आपने इसकी जगह दी हुई होगी, और उसके बाद इस 10 की 10 GB के ऊपर Ubuntu आ जाएगी। ठीक है, Ubuntu से मुराद ही मैंने आपको कहा था कि है तो Ubuntu, लेकिन इसके बैक एंड पे Ubuntu ही यूज हो रही है, सिर्फ फ्रंट एंड इन्होंने चेंज किया है, थोड़ा सा लाइट वेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। ये पूछ रहे अपना नाम बता दें, तो आप अपना नाम, और फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर पे यूजर नेम आ रहा है, फिर ये कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है, तो हम कह देते हैं ये वो नाम है जो आपका कंप्यूटर का नेटवर्क के ऊपर नाम शो हो रहा होगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कोई पासवर्ड दे देना, जो भी आप इस यूजर का पासवर्ड रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये आपने जहन में रखना भी। उसके बाद अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जो आखिर में आ रहा है, तो ये क्या करेगा कि जब भी आप अपनी इस मशीन को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो जाएगा, ऑटो लॉगिन हो जाएगा इस यूजर से। ठीक है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बेहतर ये है कि जो आप मशीन ऑन करें तो आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आए, और देन आपने जो भी यूजर बनाया है वो यूजर उसका पासवर्ड दें तो आप लॉगिन हो सकें। ठीक है, ये सेटिंग देने के बाद यूजर के हवाले से और कंप्यूटर के नेम के हवाले से ये आपको समरी बता रहा है कि आपकी जो इंस्टॉलेशन होगी इसका टाइम जोन एशिया कराची सेलेक्ट हो जाएगा, इसकी लैंग्वेज जो है वो अमेरिकन इंग्लिश होगी, और नंबर और डेट्स की लोकेल उर्दू पाकिस्तान के हवाले से होगी। इसी तरह कीबोर्ड आपकी सेटिंग ये वाली है, पार्टीशंस आपकी अभी फिलहाल ये स्टेटस है कि आपकी एक अनपार्टीशन स्पेस है, और आफ्टर इंस्टॉलेशन आपकी ओवरऑल इस पूरी की पूरी पार्टीशन पे Ubuntu इंस्टॉल होगा, और मजीद डिटेल्स। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप बैक करके जाके इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चेंज करना चाह रहे तो आप सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, या आप सिर्फ कंफर्म करेगा कि आप बाकी इन सेटिंग के साथ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें Ubuntu की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये इस हवाले से बहुत फायदा मंद है Ubuntu, कि आप इसको CG से भी रन कर सकते हैं, और अपना रिक्वायर्ड काम अगर आपको करना चाह रहे हैं फोरी फोरी तो वो आप बगैर इंस्टॉल किए भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था कि उसने हमें थोड़ा सा टाइम लिया था बूट में, लेकिन बूट करने के बाद उसमें फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने ला के रख दिया था बगैर इंस्टॉल किए, और हम उसमें कोई भी काम जिस तरह हमने जो MS Word की तरह का प्रोग्राम राइटर होता है या एक्सेल की तरह का प्रोग्राम कैल्क होता है वो स्टार्ट करके देखा भी था, वो स्मूथली रन हो रहा था। तो जनाब ये हमारे Ubuntu की इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, और इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट। तब तक कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। जो इंस्टॉलेशन है बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लेगी, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ टाइम तो लेगी। जनाब तो हमने ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी 10:18 में, और इसने मेरी मशीन के ऊपर जहाँ पे ना सिर्फ इंस्टॉलेशन चल रही है विजुलाइज्ड एनवायरनमेंट में, बल्कि साथ ज़ाहिर रिकॉर्डिंग के हवाले से प्रोसेसेस भी चल रहे हैं, तो इसने अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 लिए हैं। तो ये बिल्कुल एंडिंग मराहिल में है, ख़तामी मराहिल में है इंस्टॉलेशन Ubuntu की, और मैं फिर अपडेट करता चलूँ कि Ubuntu को चूज़ करने की दो वजूहात थी। नंबर एक तो ये कि सेम टू सेम Ubuntu ही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें जो अच्छी बात ये है
वो ये है कि ये निस्बतन यूबंटू के लाइट वेट है। इसका जो फ्रंट एंड है, ग्राफिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, जिसकी वजह से आपको इनके कम रैम के अंदर भी आपका बड़ा अच्छा गुजारा हो सकता है। प्लस इसके अंदर डिफॉल्ट ऐसे तमाम लोग जो इसको बेस मशीन में यूज़ कर रहे हैं एज ए लिनक्स अपने ओएस के तौर पे, तो उनको ये बेनिफिट होगा कि इसको इंस्टॉल करते साथ ही आपको जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, आपका मीडिया प्लेयर VLC, आपका इंटरनेट ब्राउजर, आपका ऑफिस का सूट जिसमें आप ऑफिस की लाइक वर्ड की, एक्सेल की फाइल्स वगैरह, पावर पॉइंट की बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक लेवल की इसकी डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के अंदर ही मिल जाती हैं, तो जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। वो लोग जो नए नए लिनक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं उनको मतलब आसानी से वो लिनक्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी जो डेली रूटीन्स होती हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, तो ये 93% हो गया इंस्टॉलेशन, इंशाल्लाह अगले 2 मिनट के अंदर अंदर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी लुबंटू की, और फिर हम देखेंगे कि आके अब हमने क्या करना है। ठीक है, तो जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह मजीद हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू ऑल फॉर योर क्वेश्चंस। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने लिनक्स में, वो लोग जो ज़रा शुरू शुरू में लिनक्स के ऊपर आ रहे हैं उन्हें घबराना नहीं है। ठीक है, लिनक्स एक बहुत वर्सटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत मेच्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कमोबेश इसकी लुक एंड फील अब विंडोज़ ही की तरह है, आपको इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें हैं लाइक कोई सॉफ्टवेयर है वो अगर विंडोज के लिए है तो आपको वही सॉफ्टवेयर तो शायद लिनक्स में ना मिले, लेकिन इसका अल्टरनेट जिसकी बहुत हद तक चीजें सेम उसी तरह की होंगी वो आपको जरूर मिल जाएगा। जैसे ऑफिस है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज के यूजर यूज कर रहे होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड यूज होता है, कैलकुलेशन वगैरह के लिए एक्सेल है, और पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लिनक्स में जाके आपको एमएस वर्ड ही मिले या एमएस ऑफिस से मिले, ऑफिस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिस जो है वो रिलीज होता है सिर्फ विंडोज़ के लिए और मैक ओएस के लिए, और लिनक्स के लिए वो ऐसा ऐसा उन्होंने पोर्टिंग शुरू की है, और उसका जो पहली ऐप अभी लिनक्स के लिए आई है वो शायद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, तो इससे जाहिर हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है कि ऑफिस की लिनक्स के वर्जन के लिए भी, बट स्टिल अभी तक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम ही आई है ऑफिस एप्स में से, बाकी चीज़ें नहीं है। तो आप या तो ऑनलाइन ऑफिस 365 यूज़ कर सकते हैं कि बिल्कुल गूगल डॉक की तरह है, आपको बिल्कुल वही वर्ड का एक्सेल का इंटरफेस मिलता है लेकिन ऑनलाइन वेब पेज पर जाके। तो अगर तो आप यहाँ पे ऑफिस यूज़ करना चाहें लिनक्स के ऊपर रहते हुए, तो एक तो आप ऑफिस 365 की वेबसाइट पे जाके वहाँ अपने लॉग इन करके अपने अकाउंट से आप ऑनलाइन ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लिब्रे ऑफिस यूज़ कर लें जो कि लुबंटू की डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन में शामिल होगा, तो उसकी लुक एंड फील थोड़ी डिफरेंट है, बिल्कुल वैसी तो नहीं है ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह की, लेकिन आपको फर्क फील नहीं होगा। आपको पता होगा बोल्ड का बटन है, बी वाला बटन आपको नजर आ ही जाएगा, सामने ही होगा, उसी तरह का होगा, थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन बहरहाल आपको पता होगा कि यार ये बी वो बोल्ड वाला बटन ही है, इसको दबाने से जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जितने भी डिफॉल्ट काम है ना वो सब के सब बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो इसी तरह मीडिया प्लेयर है, VLC नॉर्मली यूज हो रहा होता है, तो अक्सर विंडो के यूजर भी डिफॉल्ट VLC यूज कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ भी मिलेगा सेम लुक एंड फील के साथ। तो बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बहुत लिनक्स एंड विंडोज के लिए आ रहे होते हैं, उनके अंदर तो आपको बिल्कुल फर्क फील नहीं होगा, बिकॉज वो चाहे लिनक्स के लिए आप इंस्टॉल करें या विंडो के लिए इंस्टॉल करें, इंटरनल लुक एंड फील सेम टू सेम होती है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो विंडोज पे हैं और लिनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है, उसके ऑल्टरनेट आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि उसी तरह से फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप अपना काम रुकने नहीं लगा, और फिर जो आप अंडरस्टैंडिंग गेन करते चले जाएंगे ग्रेजुअली,
तो आपको लगेगा कि बिल्कुल लिनक्स आसान सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई इसमें इशू इशू नहीं है यूज़ करने में, तो जो आपकी घबराहट है वो खत्म हो जाएगी। और अब तो ज़्यादा आसानी हो गई है कि वो लोग जो जरा लिनक्स के कुएं में छलांग नहीं लगाना चाह रहे, वो आराम से वर्चुअल मशीन में जाके लिनक्स इंस्टॉल करें, खेलें कूदें, अपनी कैपेबिलिटीज इन्हेंस करें, और जब वो देखें कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल है लिनक्स यूज करने में, तो फिर वो वर्चुअल मशीन से अपनी बेस मशीन में भी शिफ्ट हो सकते हैं लिनक्स में। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास आ गया कि आप बगैर अपनी मेन मशीन को नुकसान पहुंचाए हुए आप लिनक्स के ऊपर अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कर ये रहा है कि इंस्टॉलेशन के एंड में ये अपने कुछ रिक्वायर्ड पैकेजेस मजीद नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं, और जब ये इसकी इंस्टॉलेशन खत्म होती है तो साथ ही हम फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो जनाब इंस्टॉलेशन हुई कंप्लीट, इसने लिए 20 मिनट्स मेरे सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे थोड़ा ज्यादा भी टाइम ले सकते हो, थोड़ा कम भी, डिपेंडेंट अपॉन द हार्डवेयर रिसोर्सेज यू प्रोवाइडेड टू इट। ठीक है, तो अभी जो मेरी ये जो डेमो इंस्टॉलेशन है इसके ऊपर मैंने 1500 MB रैम यानी कि 1.5 GB रैम दी हुई थी तकरीबन इसको, और इसके अलावा कुछ बेस सिस्टम पे प्रोसेसर्स भी चल रहे थे रिकॉर्डिंग के हवाले से, जिसकी वजह से ज़ाहिर है इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया। तो जनाब यहाँ पे हम रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे डन करेंगे। अभी रीस्टार्ट नाउ का चक्कर है कि अभी तक जो अभी हम काम कर रहे हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, बट हैं हम उसी रन टाइम वाले ऑप्शन में। ये देख रहे हैं ये जैसा हमने ये सीडी डाल के इंस्टॉल किया था, तो वो इसने लुबंटू का रन टाइम वर्जन बगैर इंस्टॉल हुआ वो वर्जन रन कर दिया था, तो अभी ये वही रन टाइम वाला वर्जन यहाँ पे आ रहा है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हम डन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद अब जब ये लोड करेगा तो ये क्या करेगा कि ये रिस्टार्ट होकर जो हमारा इंस्टॉल्ड वाला वर्जन है ना उस पे चला जाएगा। अच्छा, अभी हमें कह रहा है कि आप अपना इंस्टॉलेशन मीडिया रिमूव कर लें। इंस्टॉलेशन मीडिया से क्या मुराद है कि वो जो हमने डीवीडी रोम डाली हुई है, ठीक है, अपने कंप्यूटर के डीवीडी में, ये कह रहा है कि उसको आप रिमूव कर लें, क्योंकि अगर वो जली रहेगी तो नुकसान क्या होगा कि जाहिर है कि आपकी जब दोबारा से आप रीस्टार्ट करेंगे तो वो दोबारा से डीवीडी से बूट हो जाएगा और फिर वो इंस्टॉलेशन वाला काम चला जाएगा। तो हमने इंश्योर कर लिया कि हमने वो जो डीवीडी रोम थी वो निकाल ली अपने डीवीडी में से इंस्टॉलेशन वाली, और अब हमने एंटर दबा दिया। तो अभी देखें कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है, और रिस्टार्ट होने के बाद अब ये जो हमने लुबंटू इंस्टॉल की है उस इंस्टॉलेशन को आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इसने अब हमें वो जो शुरू में ऑप्शंस दिए थे कि इंस्टॉल करनी है, क्या करना है, कंटिन्यू विद लुबंटू, वो ऑप्शन नजर नहीं आए, बिकॉज वो ऑप्शन आ रहे थे जब हमने डीवीडी से बूट किया था, तो वो डीवीडी के हवाले से ऑप्शन थे। अब ये जो हमारी इंस्टॉल्ड लुबंटू है ये बूट हो रही है। तो ये फर्स्ट टाइम लुबंटू बूट हो रही है हमारी हमारी वीएम में या बेस ओएस में, जहां पे भी आपने इंस्टॉलेशन परफॉर्म की है। तो जनाब ये आ गया हमारे सामने इंटरफेस लॉगिन स्क्रीन हमारे यूबंटू की। ठीक है, ये हमारा यूजर आ रहा है, यूजर पे जो हमने पासवर्ड सेट किया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो हम पासवर्ड देंगे और एंटर दबाएंगे तो हमारे सामने लुबंटू का डेस्कटॉप अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहुँच के हमारी हो जाती है इंस्टॉलेशन कंप्लीट लुबंटू की, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये जो बेस प्लेटफॉर्म है ये तैयार हो चुका है। ठीक है, और हम
अब आगे जाके इस पे जो अगले हमारे ऑप्शन से वो जो हमने देखा था अपने इंस्टॉलेशन के उस स्टेप्स में, तो हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लिए। अब स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे रेस्ट की इंस्टॉलेशन और रिक्वायर्ड टूल्स की इंस्टॉलेशन, और स्टेप नंबर 4 में फिर हम एम्बेडेड रेस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड टूल है उनको इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा इंस्टॉल्ड उबंटू का डेस्कटॉप हमारे सामने अपेयर हो चुका है। ठीक है, देखें बिल्कुल विंडोज की तरह स्टार्ट मेन्यू जिस तरह उसमें होता है वो आ रहा है। यहाँ पे उस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर रिलेवेंट एप्लीकेशंस के लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होना चाहिए इसको यूज करते हुए। ठीक हो गया, तो हमने कर ली अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ठीक है, तो यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना फिर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम प्रोसीड करेंगे रस्ट की इंस्टॉलेशन। जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।